पास। हाँ व्लॉग ही बना रहा, चल देख अभी बनाऊंगा, रुक जा पहले लाइट ऑफ कर दूँ। नहीं नहीं नहीं, लाइट फैन तो ऑफ कर दूँ और लाइट खोल दूँ। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने फैन ऑफ कर दिया ताकि आपको वो इसके लिए मतलब क्या बोलते हैं उसको बैकग्राउंड नॉइस ना आए, एंड लाइट ऑन कर दी ताकि आपको क्लियरिटी बहुत अच्छे से मिलती रहे। सो चलिए गाइस सबसे पहले मैं लोग को स्टार्ट करता हूँ। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप गाइस आप सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे, एंड गाइस आज का एक ब्लॉग बहुत ज़्यादा मतलब कूल होने वाला है। गाइस मैं पक्का दावे से बोल सकता हूँ जितने आपने मेरे अभी तक ब्लॉग देखे होंगे उन सबसे ज्यादा गाइस मतलब बढ़िया ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने इसमें कुछ ऐसा अरेंज करा है जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। आई होप गाइस आप सभी को वीडियो मतलब सॉरी गाइस ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई ये ड्रिल मशीन। सो एक तो गाइस ब्लॉग होने वाला है इसके ऊपर, एंड कुछ पुरानी यादें मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये मेरी माँ जी की फोटो है, एंड ये मेरे बाबा जी की फोटो, मैं इनके बारे में आपको डिटेल में बाद में बताऊँगा। सो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ये जो आप ऊपर होल देख सकते हो ये उधर लगने वाली है। सो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हो ये मेरी माँ जी है, एंड अब मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। ये मेरे पापा जी है, एंड ये जो फोटो है मैं हमारे इधर का एक बहुत फेमस है फोटोग्राफर, उसका नाम है गोल्डन। तो गाइस जितने भी मेरे पापा जी के पहले और ताऊ जी के फोटो थे सब इन्होंने ही क्लिक करे हैं, जो गोल्डन मैंने जिसका आपको नाम बताया अभी, एंड ये जो फोटो मैं उनसे निकलवा के लेके आया हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये जो आप देख सकते हो ये उन्होंने बनाया था, एक सांप है लकड़ी का। गाइस क्योंकि आप सोचोगे कि भाई ये ऐसे कैसे बना सकते हैं, भाई मैं आपको बताऊं डिटेल में। वो एक मतलब मास्टर थे, एंड उनको सब सन्नू मास्टर बोलते थे। तो क्या नाम, वे मतलब घर पे बैठे बैठे ऐसी बहुत सी उन्होंने एक्सपेंसिव चीज़ बनाई थी। गाइस कुछ तो खोगी, एंड जो मेरे पास रखी हुई है मैंने संभाल के वो मैंने आपको दिखा दी, एंड दो तीन चीज़ यही थी बस। सो चलिए गाइस मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन से गाइस मैं होल्ड करूँगा जो फोटोज है ना वहाँ पर, इनको मतलब ड्रिल मशीन की हेल्प से वहाँ पर होल्ड करके यहाँ पर टंगा दूंगा मैं। एंड सबसे पहले आप देख सकते हो मैं दो माला भी लेकर आया था, जूम करके दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो सूख रही है। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं ड्रिल मशीन। ऐसे रखे बस, तो मैं कर लूँगा दिखाना। घुमाने वाला जिससे वो निकलेगा, लेकर आया था मैं, खो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, दूसरा काम है। तो गाइस देख सकते हो इसको ऐसे लगाएंगे यहाँ पे, और कुछ ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ ऐसे आप इसको स्क्रॉल करते रहना, ये यहाँ से खुल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे निकल चुका है, एंड इसमें काफ़ी साइज़ आप देख सकते हो, जिस भाई इसमें ये जो साइज़ लिखे हुए हैं इसके सारे, ऐसे रखे फोन पर, ये जो साइज़ लिखे हुए हैं इसके सारे ये साइज़ है। तो गाइस आई थिंक ये वाला जो बर्मा है इसको बर्मा बोलते हैं, इसमें ये वाला फिट आएगा। आप इसको ऐसे करके बस जैसे मैंने ढीला करा था ऐसे आप इसको टाइट कर देना कि यहीं कहीं दोबारा सेट हो जाएगा। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत अच्छे से डिटेल में दिखाऊंगा, बट यार आप लोग को पूरा देखना, हर बार की तरह छोड़ना मत भी। सो गाइस ये जो मैं माला थी ये मुझको पड़ी थी करीब 140 रुपए की, बिकॉज एक थी 70 रुपए की, तो यानी कि आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सीधा सीधा था हिसाब है 7 × 2 = 140। बड़ा हरामी हो बेटा, ठीक है नहीं। तो गाइस ये देख सकते हो, एक मिनट, ये दो माला मैंने धो दी थी क्योंकि यार वहाँ पे बहुत गंदी पड़ी थी, इस वजह से मैंने धो दी। सो गाइस जो आगे का सीन है दिखाई, एक मिनट इसमें ऐसे गाइस मैं बताऊं, जो ये आप देख सकते हो ब्लू कलर का थैला, इसमें गाइस दो पैच रखे हुए थे, गिट्टी तो मैंने निकाल दी, आप देख सकते हो भाई मेरी दो गिट्टी, एंड दो पैच थे आने पड़ेगा। नहीं, देख सकते हो गाइस ये दो पैच, इसमें से एक थोड़ा पुराना है तो इसको मैं पैक करूँ इसके अंदर ही, दूसरा देखता हूँ भाई इसके अंदर, यार बहुत नए नए पड़े थे बट ठीक है, अगर खाना सामान के साथ जैसे यार टाइम पे मिल नहीं रहा। सो गाइस मिल चुके हैं मुझे दोनों पैचेस, आगे का प्रोसेस मैं दिखाता हूँ भी आपको।
सो गाइस सबसे पहले आप ये देख सकते हो ड्रिल मशीन की गिट्टी एंड ये पैचेस, तो इसको पहले वहाँ लगाते हैं जो आपने देख सकते हो मैंने ये होल करे थे अभी आपके सामने। उसके बाद का मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाता हूँ, बिकॉज यार थोड़ा ऊंचा है ये। तो गाइस आपको पता है ऊंचा बहुत है, तो इस वजह से मुझको यहाँ पे टेबल पे, डिनर टेबल पे ये वाली चेयर होल्ड करके रखनी पड़ी। एंड दिशु तो पकड़ ले चली से एक मिनट, नहीं तो पता लगा नीचे गिर गया। सो गाइस एक मिनट पहले मैं ये फोटो वगैरह सब यहाँ से हटा दूँ, अगर यहाँ से छूट गई तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। एक मिनट पहले यार मैं चढ़ जाता हूँ। ओह माय गॉड, जा अच्छा से पकड़िए, कभी मैं नीचे जाऊँ सारा व्लॉग बन जा। सो देख वहाँ से होना ना, इसको करते हैं गाइस यहाँ पे स्टार्ट। गाइस ये तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें आपको पता ही होगा क्या लगता है, इसमें गाइस छोटे छोटे जो पैचेस आते हैं वे लगेंगे एंड गिट्टी। सो इसमें गाइस दूसरा वो लगाना पड़ेगा, बिकॉज यार ये थोड़ा मतलब इसका जो मतलब है ना वो सही नहीं है जिसको बर। सो गाइस फाइनली यहाँ पे दोनों फोटोज सेट हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंड गाइस आप कमेंट में बताना कैसी लग रही है। सो देख सकते हो भाई दोनों फोटो, एंड यहाँ पे मैंने इसके मतलब हार जिसको बोलते हैं वो भी लगा दिए हैं। सो आई होप गाइस आप सभी को ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और गाइस अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो इसको कर दे गाइस लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और गाइस हाँ जो बगल में बेल आइकन है उसको भी कर दे प्रेस, ताकि गाइस हमारे आने वाले सभी लेटेस्ट ब्लॉग की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस ब्लॉग का करते हैं एंड, और आप सभी से मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।